हालात बदलने वाला अल्लाह, लिल्लाहिल अमरु मिन कबलु व मिन बाद। सीरत रसूल पढ़िए, आपकी मदनी जिंदगी इब्तिदा से पढ़िए, न लोगों ने हालात बदले, न लोगों की तादाद ने हालात बदले, और न फिर जो है चेहरों ने हालात बदले। अगर हालात बदले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदले, और जरिया और सबब बना अहले ईमान के अमल, अहले ईमान के किरदार, अहले ईमान के करैक्टर और उनके उसूल, उनके उसूलों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जरिया बनाया और हालात बदल गए। हासिल नहीं है सिवाय इसके कि इस महीने की 15वीं रात को शबे बरात कहा जाता है, और इस रात की फजीलत के हवाले से मुख्तलिफ अहादीस हैं, जिन अहादीस में नफली इबादत पर जोर दिया गया है, वो भी ज्यादातर इंफिरादी तौर। उलमा ने लिखा है कि इस महीने में इस रात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता फरमाया है, यह रमजानुल मुबारक का मुकदमा है कि आदमी इस रात में तौबा व इस्तिगफार करे, बिलखुसूस और इस महीने ही में अपने आप को तौबा व इस्तिगफार के जरिए साफ और पाक करके रमजानुल मुबारक के लिए तैयार करें, ताकि जब वो पहला रोजा रखे तो वो तौबा करके पाक साफ हो चुका हो, अल्लाह के हुजूर वो ऐसा हाजिर हो जाए जैसा कि इंसान अपनी वालिदा के पेट से पैदा होता है। वो रात गुजर चुकी, उस रात के हवाले से आपने सुन लिया होगा, ये आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे का पहला जुमा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसके बाद एक और जुमा नसीब होगा रमजानुल मुबारक से पहले। आप अपने खतीब साहब से या किसी और से रमजानुल मुबारक की फजीलत और उसकी तैयारी, उसमें हमें क्या करना है सुन लें। लेकिन तालिब इल्माना हैसियत से गैर मुरत्तब बात जो मेरी जबान से निकलेगी, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे लिए भी उसको नफा बख्श बनाए और हम सब सुनने वालों के लिए उसको मुफीद बनाए। साथियों, हमने ये समझ रखा है कि रमजानुल मुबारक निचोड़ है सिर्फ दो चीजों का, दिन में रोजा रखने का और रात में तरावीह पढ़ने का। इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों इबादतें अहम इबादात में से हैं। रमजानुल मुबारक का रोजा फर्ज है और रात की तरावी ये सुन्नत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर छोटा और बड़ा, हर जानने वाला और न जानने वाला, पूरे साल मस्जिद को आबाद करने वाला या इसमें कोताही बरतने वाला, वो इन दोनों इबादतों को बखूबी समझता है और इनको अपनाने की कोशिश करता है, इस पर अमल करता है। बल्कि और आगे जाइए, जो आदमी जोहर की चार रकात पढ़ने के लिए बसा औकात इमाम साहब के पीछे तैयार नहीं होता है, इशा की चार रकात पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, इस रमजानुल मुबारक की बरकत से वो लंबी रकातें इमाम साहब के पीछे तरावी की सूरत में पढ़ता है। ये रमजानुल मुबारक की बरकत है और उस आदमी का जहन मुतवज्जे होता है, उसके यहाँ इस महीने की इस नमाज की फजीलत उसके दिलो दिमाग में बैठ चुकी है, वो इस नमाज को अदा करता है। लेकिन मैं एक दूसरी चीज की तरफ आप हजरात का जहन लेना चाहता हूं, ताकि हमें समझ आए कि
हमारा मकसद क्या था पैदाइश का, और फिर रमजानुल मुबारक के रोजे हमें आता करने का मकसद क्या था। कुरान करीम में है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को पैदा किया और इंसानों को पैदा किया, सिर्फ और सिर्फ पैदा किया इबादत ही के लिए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था उनकी पैदाइश का। इन्हीं बंदगाने खुदा की पैदाइश हुई है इबादत के लिए, खुदाए रब्बुल इज्जत को मानने के लिए, खुदा की तौहीद को मानने के लिए, खुदा के सामने सजदा करने के लिए, रुकू करने के लिए, हर आन और हर लम्हा खुदा को मानकर जिंदगी गुजारने के लिए। और एक दूसरे मौके पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल बाहया आदमी कौन है? आपने फरमाया हकीकी मानों में बाहया वो है जो सर की और सर से जुड़ी हुई चीजों की हिफाजत करता है, जो पेट की और पेट से जुड़ी हुई चीजों की इबादत करता है। और आगे फरमाया जो आखिरत की जिंदगी को तरजीह देता है दुनियावी जिंदगी पर, और दुनिया की जेब व जीनत को तरक कर देता है, और जो कब्र की जिंदगी को तरजीह देता है दुनियावी जिंदगी पर, इसको हकीकी मानों में बाहया कहेंगे और शर्म करने वाला कहेंगे। सर की हिफाजत करे और सर से जुड़ी हुई चीजों की हिफाजत करे, दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करे, ख्यालात भी ऐसे हों जो गुनाह की तरफ न ले जाने वाले हों, अल्लाह की कुदरत के मुताल्लिक सोचे, किताबुल्लाह के मुताल्लिक सोचे, सुन्नत रसूल के मुताल्लिक सोचे, न के तना तना बैठा है और गुनाहों का ख्याल दिल में लाया हुआ है। और फिर जो है सर की हिफाजत, ये पेशानी, ये सर सिर्फ खुदाए रब्बुल इज्जत के सामने झुके, खुदाए रब्बुल इज्जत के अलावा किसी और के सामने न झुके, मखलूक खुदा के सामने न झुके, पीरों के सामने न झुके, पैगंबरों के सामने न झुके, औलिया उल्लाह के सामने न झुके, सुलहा और अतकिया के सामने न झुके। अगर झुकाना होता तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबाए किराम झुकाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत है उन पर, और खासकर बनी इसराइल के मुतालिक इरशाद फरमाया, उन बनी इसराइल पर जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदगा बनाया, कब्रों पर सजदा करने लगे। जब नबियों की पूजा और परस्तिश करने वालों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, तो क्या ख्याल है आपका और मेरा, नबी के अलावा सुलहा अतकिया बुजुर्गान दीन आइम्मा मुज्तहिदीन के सामने या उनकी कब्रों पर अगर कोई सजदा करेगा सर झुकाएगा तो वो बदरजा उला लानत का मुस्तहिक है। फरमाया बाहया वो है जिसका सर अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। फरमाया था सर और सर से जुड़ी हुई चीजें, सर से जुड़ी हुई चीज आंख है, आंख का सही इस्तेमाल करता है, गलत उसकी निगाह नहीं पड़ती है, देखती है तो कुरान देखती है, सुन्नत देखती है, ज्यारत करती है तो अपने वालिदैन की ज्यारत करती है, जो जायज चीजें उनको देखता है, नाजायज चीजों को नहीं देखता है। तो फरमाया ऐसा आदमी जो है बाहया है। और सर से जुड़ी हुई चीज कान है, कान का सही इस्तेमाल करता है, सुनता है तो अल्लाह के रसूल के बोल, कुरान के बोल, वाज़ो नसीहत सुनता है, वालिदैन की गुफ्तगू सुनता है, न के म्यूजिक सुनता है, न के गाने सुनता है, और न के जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की बातें सुनता है। फिर जबान का, ये भी सर से जुड़ी हुई है, सर के हिस्से में आती है, जबान का सही इस्तेमाल करता हो, जबान झूठ न बोलती हो, जबान गीबत न करती हो, जबान चुगली न करती हो, जबान गाली गलूच का इस्तेमाल न करती हो, बल्कि जबान या तो जिक्र अजकार में है, या तस्बीह में है, या कुरान की तिलावत में है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ने में लगी हुई है, या फिर वाज़ो नसीहत में है, या इस किस्म के दूसरे नेक कामों में है, ऐसे आदमी को बाहया कहा जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया अल्लाह के रसूल हम तो हया करते हैं, फरमाया ना, जिसको तुम हया समझे हो कि लोगों के सामने गुनाह न करो और पासे पुश्त जाकर गुनाह कर दो, खुफिया जगह में जाकर गुनाह करो और अंधेरी कोठरी में जाकर अल्लाह की नाफरमानी करो,
और इसी तरीके से जो है सुबह और शाम तन्हाइयों में गुनाह करो, इसको हया नहीं कहते हैं। हया कहते हैं कि अगर दिन दिहाड़े तुम गुनाह न करना पसंद करते हो तो ऐसे ही रात के अंधेरे में तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर समझते हुए अपने मालिक की ताजीम और एहतराम में गुनाह को छोड़ दो, इसको कहते हैं हया। अगला जुमला था कि बा हया हुआ आदमी है जो पेट और पेट से जुड़ी हुई चीजों की हिफाजत करता है। मतलब यह है कि पेट में उसके हराम लुकमा नहीं जाता है। एक हदीस शरीफ में है कि आदमी तहज्जुद के वक्त आंसू बहाते हुए हाथ उठाकर कहता है या रब्बी परागंदा बाल, क्योंकि सुबह सवेरे उठा है, सर्दियों का जमाना है तो सर्दी लग रही है, गर्मियों का जमाना है तो नींद को जाया करके वो उठा है, मुसल्ला बिछाए हुए इबादत कर रहा है, परवरदिगार आलम से मांग रहा है, लेकिन देखता है नतीजा जीरो। उसने जितनी भी दुआएं की हैं, दुआएं रंग नहीं लाती हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता है, दुआएं बजाहिर कबूल नहीं हो रही हैं। फरमाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैसे उसकी दुआएं कबूल होंगी? वो जो पेट में लुकमा जा रहा है वो हराम का लुकमा जा रहा है, जो उसका लिबास है वो हराम के पैसों का है, जो उसका कारोबार है वो सूदी कारोबार है, जो उसकी खेती बाड़ी है वो किसी की जमीन को हड़प करके खेती बाड़ी कर रहा है, जो उसका ओहदा और मुलाजमत है न जाने जो है कितना माल खर्च करके किसी का हक मार कर जो है वो उस ओहदे पर फाइज हुआ है। लिहाजा खाना भी हराम, पीना भी हराम, लिबास भी हराम, उसका जो है उसकी पूरा जो है निजाम जिंदगी हराम पर तुली हुई है। अब मांग भी रहा है तो क्यों कर दुआ कबूल होगी? कैसे दुआ कबूल हो सकती है? फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रावी फरमाता है, आप फरमाते हैं, इस आदमी को अपनी जुस्तजू, अपनी टोह और अपनी निगरानी ऐसे करनी चाहिए थी जैसे ये अपने पड़ोसी की निगरानी करता है। इसकी गाड़ी कहाँ से आई, लोन पर ली है या जो है नकदी पैसा दिया है, इसका कारोबार इतना उम्दा क्यों चल रहा है, इसका लिबास इतना उम्दा क्यों है, इसका मकान इतना ऊंचा क्यों बन गया, और इसके बेटा, इसका बेटा और इसकी बेटी को बड़ा ओहदा कैसे मिल गया, कहीं रिश्वत का काम तो नहीं किया, रिश्वत से इसने काम तो नहीं लिया। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उनकी कब्र में नहीं जाना, इस तरफ तवज्जो न दीजिए, आप अपने गरीबान को झांकिए, जैसा पड़ोसी को आप झांकते हैं वैसे अपने लुकमे को, अपने लिबास को, अपने खाने को, अपने पीने को झांकिए और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें हराम का शाइबा हो। फरमाया कि पेट की जो हिफाजत करता है वो बा हया है, हाथ की जो हिफाजत करता है वो बा हया है, जवानों जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है वो बा हया है, जिसके पांव नेकियों की तरफ चलते हैं वो बा हया है, जिसका हाथ सही लिखता है, जिसका हाथ किसी को तकलीफ नहीं देता है, जिसका कलम किसी के खिलाफ जुल्म के अंगारे नहीं बरसाता है वो बा हया है। हाथ की हिफाजत करनी है, पेट की हिफाजत करनी है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है। आखिर फिर मैं फरमाया कि जो आदमी कब्र के सड़ने और गलने को याद रखता है और दुनियावी ज़ेब और ज़ीनत को तर्क कर देता है वो बा हया है कि आज मैं अपने अब्बा को दफना रहा हूँ, इसको गुस्ल दिया जा रहा है, इसको जनाजा दिया जा रहा है, अब इसको कब्र में उतारना है, कल मेरा नंबर है। अगर दुनिया में ऐसे हालात बन जाए, किसी एक जुर्म की वजह से किसी को सजा मिलने लग जाए, दूसरा पड़ोसी और साथी भी उस जुर्म में मुब्तला हो, तो जाहिर सी बात है कपकपी तारी होगी, उस पर शिवरिंग तारी होगी कि अब ये इस जुर्म में पकड़ा गया, मैं भी पकड़ा जाऊंगा। लेकिन अजीब और गरीब हालत है हमारी कि मैंने अपना भाई दफना दिया, अपनी अम्मा को दफना दिया, अपने अब्बा को दफना दिया, अपने पड़ोसी को दफना दिया, उसका जनाजा पढ़ लिया, उसको कब्र में उतारा, लेकिन दस से मत नहीं है कि अब मेरा भी ये ठिकाना है। फरमाया लोगों सुनो, बाहया आदमी वो है जो कब्र की जिंदगी को याद रखता है, कब्र के गलने और सड़ने को याद रखता है, कब्र जो दिन में कई आवाजें लगाती हैं, मैं तनाही का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरा घर हूँ, इंतजाम करके आना, जो इसको याद रखता है वो बाहया है। आखिर में इरशाद फरमाया कि जो दुनियावी जिंदगी को तरजीह नहीं देता है आखिरत की जिंदगी को तरजीह देता है, आखिरत की जिंदगी याद है, आखिरत का बहुत उस पर सवार है। ये तो कुरान करीम ने भी फरमाया, ला यालमून अक्सरुन्नास
मुशरिकीन और बेईमान और काफिर और यहूद और नसरानी और एथिस्ट और न जाने कैसे कैसे लोग, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद, उसकी वहदानियत, उसकी किताब और सुन्नत को नहीं जानते हैं। वो जानते क्या है? यालमून ज़ाहिरन मिनल हयाति दुनिया, दुनियावी जाहिरी जिंदगी को, ज़ेब व ज़ीनत को, तिजारत के गुर को, खेती बाड़ी के गुर को, दूसरों को धोखा देने के गुर को, सूद लेने और देने के गुर को, और इसी तरीके से रिश्वत लेने और देने के तरीकों को, और दुनिया में मायार कैसे बुलंद हो, स्टैंडर्ड कैसे बुलंद हो, ऊंचा हो, इसको तो जानते हैं। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो अल्लाह की वहदानियत को नहीं जानते हैं, रसूल की रिसालत को नहीं जानते हैं, उसके हक को नहीं पहचानते हैं, किताब के हरूफ को नहीं जानते हैं, किताब के माना को नहीं जानते हैं, किताब के मफहूम और मतलब और तफसीर को नहीं जानते हैं, और इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं जानते हैं, आपकी सुन्नतों को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसी की जाए, इसको नहीं जानते हैं। साथियों, आज अलमिया है कि 70-80% लोग उलूमे दीनिया से दूर हैं, और जो मान लो 30%, ये मैं ज्यादा कह रहा हूं, 30% लोग जो उलूमे दीनिया से वाकिफ हैं, उसमें भी 10% ऐसे हैं जो हकीकी उलूमे दीनिया से वाकिफ नहीं है। गूगल के जरिए, नेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए और चैनलों के जरिए उन तक गैर मुअतबर इल्म पहुंचा है, गैर मुअतबर मालूमात पहुंची है, वो सही नहीं है और वो काबिल एतमाद नहीं है, काबिल भरोसा नहीं है। फिर 20% जिनके पास पहुंचा है, अगर पहुंचा है तो उनमें से भी 10% के पास अमल नहीं है, मालूमात है, इल्म है, अमल नहीं है। और जिन 10% के पास मालूमात भी है और अमल भी है, उनमें से भी कुछ में कमी है इस बात की कि इखलास हो। इखलास का मतलब अल्लाह की रिजा के खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में कोई अमल किया जाए, ये बहुत कम है। मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ कि वाह वाह मिल जाए, मुझे शाबाश मिल जाए, और बाद में तबसरे सुनूं कि क्या कुछ मेरी तकरीर के बारे में कह रहे हैं। मुक्तदी इस वजह से नमाज पढ़ रहा है कि इमाम साहब नाराज हो जाए, इमाम साहब इस वजह से नमाज पढ़ा रहा है कहीं कमेटी के अफराद न पूछने लग जाए, महल्ले और पड़ोसी के अफराद इस वजह से कि पास और पड़ोस वाला क्या कहे। बस मखलूक के खुदा के डर से ये अमल किए जा रहे हैं, खालिक के डर से, मालिक के डर से, और हकीकी कादिर मुतलक के डर से ये अमल नहीं किया जा रहा है। इसी को कहा जाता है इखलास नहीं है। यानी 10% के पास अमल तो है, लेकिन उनमें से भी कुछ आदमियों के पास इखलास नहीं है। क्या पता मैं भी उसमें हूँ, माफ कीजिएगा, मैं आपको मुखातब नहीं बना रहा हूँ, आपको कोसना नहीं चाहता हूँ। दुनिया में ऐसे भी हो सकते हैं कि इल्म है, अमल है, लेकिन खुदा की रिजा में और खुदा की मोहब्बत में यह अमल नहीं कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि उसमें जो है इखलास तो है लेकिन इत्तिबाए सुन्नत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को किस तरीके पर किया है ना, वो मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। अगर हम ही में से जोहर की 2 रकात छूट जाए, इमाम साहब पढ़ा रहे थे फर्ज, हमने 2 जोहर की 2 रकात छोड़ दी, छूट गई हमसे, अब हम खड़े होके कैसे पढ़े हमें नहीं मालूम। ये जो है दीन से गफलत है, ये दीन से दूरी है, ये उलूम दीन को न जानना है। वहुम अनिल आखिरत गाफिलून, वो आखिरत से गाफिल हैं, और जानते हैं तो दुनियावी जिंदगी की जाहिरी ज़ेब व ज़ीनत को जानते हैं, अय्याशी के तरीकों को जानते हैं, धोखा देने को जानते हैं, राहत भरी जिंदगी को जानते हैं। अगर गाफिल हैं तो आखिरत की जिंदगी से गाफिल हैं, अगर नहीं मानते हैं तो आखिरत की जिंदगी को नहीं मानते हैं। माफ कीजिएगा, एक मजलिस में था मैं, वहां पर बात चली तो मैंने एक जवान से पूछा कि तीसरे खलीफा कौन है। लम्हा फिक्रिया है और अलमिया है, रोने का मकाम है, हंसने का मकाम भी नहीं है, कोसने का भी ये मकाम नहीं है, तो तीसरे खलीफा का नाम नहीं बता पाया साहब। ये उम्मत मुस्लिमा की जो है हालत है, और हम कहते हैं सियासी चेहरे बदले तो हालात बदलेंगे, हुकूमतें बदलेंगी तो हालात बदल जाएंगे। कैसे जब अपना दिल नहीं बदला, साल गुजर गए, जिंदगी बीत गई, 40 साल हो गए, 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, हर साल मौसम बदलता है, हर साल साल बदलता है,
दिन बदलता है, रात बदलती है, ये मौसम और माहौल और वक्त बदलता गया, लेकिन बंदे ने अपनी हालत नहीं बदली, तो उसको क्या ख्याल है कि चेहरे बदलने से हालात बदले जाएंगे और वोट बदलने से जो है हालात बदल जाएंगे? हमारे आमाल के मुताबिक फैसले होंगे, हमारी नीयतों के मुताबिक फैसले होंगे, हमारे किरदार के मुताबिक फैसले नाजिल होंगे। चेहरे के बदलने से, हालात के बदलने से, चेहरे के बदलने से और सियासत के बदलने से हालात नहीं बदल सकते हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु, अल्लाह रब्बुल इज्जत हालात को नहीं बदलते हैं किसी कौम के, जब तक ना वो खुद बदलने की कोशिश करें, खुद जो है अपने आप को संवारने की कोशिश करें, खुद अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। मिंबर रसूल पर बैठ कर कह रहा हूं और पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, अगर मेरा और आपका ये ख्याल है कि हुकूमतें आएंगी उसकी वजह से हालात बदल जाएंगे तो ये शिर्क है। हालात बदलने वाला अल्लाह, लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बाद। सीरत रसूल पढ़िए, आपकी मदनी जिंदगी इब्तिदा से पढ़िए, न लोगों ने हालात बदले, न लोगों की तादाद ने हालात बदले और न फिर जो है चेहरों ने हालात बदले। अगर हालात बदले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदले और जरिया और सबक बना अहले ईमान के अमल, अहले ईमान के किरदार, अहले ईमान के करैक्टर और उनके उसूल, उनके उसूलों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जरिया बनाया और हालात बदल गए। बात दूर निकल गई, वक्त कम है, मैं ये अर्ज करने चाह रहा था कि रमजानुल मुबारक का मुकदमा है शाबानुल मुअज्जम। शाबानुल मुअज्जम में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजानुल मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार क्या होता था उसको बयान करके बात खत्म करूंगा। अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, तवील हदीस है उसको मैं मुख्तसर कर तौर पर बयान करूंगा, कि जब रमजानुल मुबारक आता था तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर तीन अमल फरमाया करते थे। नंबर एक, आप रमजानुल मुबारक में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जुस्तजू, बहुत ज्यादा तगोदौ करते थे इबादत के हवाले से। यूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साल भर की इबादत ऐसी होती थी, हदीस में आया हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में वर्म आ जाता था, सूजन पैदा हो जाती थी। लेकिन जब रमजानुल मुबारक आता था तो कुछ मजीद उसमें जो है और ज्यादती करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करते थे, जफाकशी से काम लेते थे, पूरी रातों को जागते थे, दिन में जागते थे, इबादत करते थे और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते थे। क्या ख्याल है आपका, जिनको मासूमियत का, जिनको मगफिरत का परवाना मिल चुका है परवरदिगार आलम की तरफ से, वो रमजानुल मुबारक में इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं उनके यहाँ रात और दिन की कोई तमीज नहीं, इतनी इबादत में मशगूल हो जाते थे, मेहनत करते थे, जस्तजू करते थे और रात दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनवाते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा रेज होते थे। तो मुझे और आपको तो बदल जाऊला अपनी हालत, पूरी दुनिया की हालत, अपने अहले खाना की हालत बदलने के लिए रात दिन इबादत करनी चाहिए रमजानुल मुबारक में, इस रोजे और तरावी से कुछ ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए, जिक्र अजकार में मशगूल होना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए, तस्बीहात पढ़नी चाहिए और इसी तरीके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए और हद से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए इस रमजानुल मुबारक में। दूसरा अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि आप कसरत के साथ सदका किया करते थे, सदका फरमाया करते थे। यूं भी आप तो अपने पास कोई माल नहीं रखते थे लेकिन रमजानुल मुबारक में इसमें जरा इजाफा होता था, मुबालगा होता था। ये अहले सरवत को, मालदारों को, देने वालों को और जिनके पास कुछ ना हो वो भी कोशिश करें कि रमजानुल मुबारक में जकात भी निकालें, सदकात भी निकालें, यतीमों का भी ख्याल रखें, बेवाओं का ये भी ख्याल रखें, मुहाजिर और मिस्कीनों का भी ख्याल रखें, तंदरुस्तों का भी ख्याल रखें, मरीजों और बीमारों का भी ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो इफ्तार के वक्त हमारे पास कई किस्म के खाने, सहरी के वक्त कई किस्म के मशरूबात और जूस और खाने और हमारा पड़ोसी भूखा हो, उसको इफ्तार के लिए कुछ खाने पीने के लिए ना हो, लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और सदके से याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर फरमाते हैं कि अबू हुरैरा कह दो मोहम्मद कसम खाता है,
सदके से माल घटता नहीं है, माल बढ़ता है, इसमें इजाफा होता है, अगरचे वो मेरी और समझ आपकी समझ से बालातर है। तो सदकात और खैरात और जकात और लोगों की जरूरियात का ध्यान रखा जाए। तीसरी चीज, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं बहुत करते थे, इस्तिग़फ़ार बहुत करते थे, परवरदिगार आलम के सामने हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाते थे, रोते थे, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने हाथ फैलाते हुए रोता है। ये तो आप मासूम हैं, लेकिन आप मुझे और आपको तालीम दे के गए कि भाई अपने गुनाहों की मगफिरत करवा लेना, अपनी बख्शिश करवा लेना। ये मौका है कमाई का, ये सीजन है। जिस तरीके से तिजारत का सीजन होता है, जिस तरीके से खेती बाड़ी का सीजन होता है, इसी तरीके से रमजानुल मुबारक नेकियां कमाने का, अपने आप को बख्शवाने का, मगफिरत करवाने का सीजन है। तो तहज्जुद के वक्त, सहरी के वक्त जरा जल्दी उठ जाए आदमी, दो रकात नमाज पढ़े और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार की दरख्वास्त करे, अपने लिए, पूरी कायनात के लिए, अपने अहलो आयाल के लिए, पूरी दुनिया के लिए और बच्चों के लिए। और शाम को जब इफ्तार का वक्त हो तो इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। इफ्तार के वक्त में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैलाकर गिरिया वजारी करे, तड़पे और बिलके और रोए कि परवरदिगार बख्शिश फरमा दे, अपनी हालत नहीं बदली। अब रमजान में आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी हालत बदल दे परवरदिगार। इसके अलावा नफली इबादात का ध्यान रखा जाए, ख्याल रखा जाए, ऐसा ना हो कि गीबत से, चुगली से, हंसी मजाक से जो नाजायज हो उसकी वजह से हमारा रोजा जाया हो जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, अगर कोई आदमी गीबत करता है रमजानुल मुबारक में, उसका जो है रोजा टूट गया। और एक और हदीस में है, आपने फरमाया जिसने झूठ बोला रमजान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत को उसका भूखा और प्यासा रहना उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको जो है गौर फिक्र करना चाहिए कि मेरा रोजा है या नहीं। सिर्फ रोजा खाने पीना का ना हो और शहवत का ना हो, बल्कि जबान का हो, आंखों का हो, कान का हो, हाथों का हो, पैर का हो, और खासकर मेरे जवान साथी आपके कानों का हो, कहीं ऐसा ना हो कानों में म्यूजिक लगाकर यहूदियों और ईसाइयों की रविश पर हम चलें। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।